असल मेरा नाम हमजा रवानी है और हम लोग ओ एस आई मॉडल और इन कैप्सुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्कस को कंप्यूटर नेटवर्किंग को सेवन लेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है या सेवन लेयर्स के अंदर ब्रेक किया गया है तो उन सेवन लेयर्स का एक्चुअल नाम एक रेफरेंस मौजूद है जिसका नाम ओ एस आई मॉडल है तो ओ एस आई मॉडल के मुताबिक एक कम्यूनिकेशन होने में सेवन लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं जिसमें सबसे पहले फिज़िकल लेयर दूसरे नंबर पर डेटा लिंक फिर उसके बाद नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर सो एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जिस पर एक्चुअली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप इंटरेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप आप मैसेज लिखते हैं तो ये एप्लीकेशन लेयर पे आप मैसेज लिख रहे हैं आप मैसेज रिसीव करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे रिसीव करते हैं इन तमाम इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में ये तमाम बाकी की सिक्स लेयर्स भी मौजूद हैं जो कि हमें आमतौर पे इनविजिबल होती हैं अब हमने बात की थी कि जी हर प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल से मुख्तलिफ है हर प्रोटोकॉल का अपना हेडर और पे मौजूद है लेकिन ये फिर एक दूसरे के साथ किस तरह से काम करते हैं तो इसका सिंपल आंसर ये है कि एक प्रोटोकॉल का पैकेट पूरा पैकेट अपने से अपर प्रोटोकॉल के पे में चला जाएगा लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेर की तो एप्लीकेशन लेयर इज द सेवंथ लेयर

क्या हो जाएगा कि जी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हेडर भी मौजूद है और पेलोड के अंदर एप्लीकेशन लेयर का पूरा पैकेट मौजूद है सिमिलरली सेशंस भी यही काम करेगा कि प्रेजेंटेशन लेयर के पूरे पैकेट को अपने पेलोड के अंदर स्टोर कर लेगा सो so, इस तरह से ये वन बाय वन वन बाय वन एक दूसरे को इनकैप्सुलेट करते हैं और इसको फर्दर ट्रांसमिट करने के बाद वापस इनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं हम ये वाली इनकेशन की एग्जाम्पल टीसीपी आई पी के परस्पेक्टिव से जरा समझने की कोशिश करते हैं टी सी पी आई पी वैसे एक रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन है नेटवर्किंग स्टैक की और ये एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो टीसीपी आई पी के चार लेयर्स हैं एक एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर एंड डाटा लिंक लेयर तो बाकी की लेयर्स जो हैं ये टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल की नहीं है बाकी के लेयर्स दूसरे प्रोटोकॉल्स की होंगी। इस ये प्रोटोकॉल इन चार लेयर्स के ऊपर लेयर तो लेयर का भी एक पेलोड मौजूद है, पे है। ट्रांसपोर्ट लेयर का भी इसी तरह से हेडर और पेलोड है नेटवर्क और डेटा लिंक में भी सेम तो अगर एप्लीकेशन द नेटवर्क ट्रांसपोर्ट होना है तो वो किस तरह से होगी कि एप्लीकेशन लेयर का पेलोड ट्रांसपोर्ट लेयर के पेलोड का पार्ट बन जाएगा सिमिलरली नेटवर्क लेयर पे जब जाएगी बात तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा है पूरा पैकेट है दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ पेलोड ऑफ नेटवर्क इसी तरह से डेटा लिंक लेयर पे जब आएगा तो तमाम चीजें उस आ, तमाम अपर प्रोटोकॉल जो हैं, वो उसके पेलोड के अंदर चली जाएंगी इसकी छोटी सी एग्जाम्पल हम बात करते हैं व्हाट्सएप के परस्पेक्टिव से आपने एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज टाइप किया तो उसमें हेडर और पेलोड अटैच हुआ और ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड हो गया तो अल्टीमेटली ये तमाम लेयर्स पे जब चला गया और ये ओवर द नेटवर्क जाना शुरू हुआ तो जिस जिस लेयर पे जाता जाएगा रेलेवेंट लेयर पे जाके ये अनपैक होना शुरू हो जाएगा डेटा लिंक लेयर पे जब ये पहुंचेगा तो नेटवर्क लेयर पूछेगी कि जी मेरे से रेलेवेंट डेटा क्या है

दूसरे बंदे के मोबाइल पे जो चीज पहुंचेगी वो एप्लीकेशन लेयर का हेडर और पेलोड है मोबाइल एप्लीकेशन पे जो ये चीज पहुंचेगी बाकी तो हर पॉइंट पे डी इंकैपुलेशन हो रही है और ट्रांसपोर्ट आपके मोबाइल तक ट्रांसपोर्ट लेयर आपके मोबाइल तक भी पहुंच रही है इंकैप्सुलेशन के दौरान हर प्रोटोकॉल अपने हेडर के साथ अपना हेडर अटैच करता है दूसरे के पैकेट के साथ और उसको आगे फर्दर सेंड कर देता है तो इस तरह से इनको एक दूसरे की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है सो so इसीलिए कहा कि जी व्हाट्सएप को ज़रूरत नहीं है कि वो समझे कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचेगा कैसे सिर्फ व्हाट्सएप को रिक्वायर्ड इन्फॉमेशन ये है कि जो भी मैसेज उसको रिसीव हो वो उसको डिस्प्ले करवा सके और जो ये मैसेज सेंड करना चाहे क्लाइंट एप्लीकेशन वो वो सेंड कर सके और सेंडिंग के बाद का जो प्रोसेस है व्हाट्सएप एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव से कोई भी मायने नहीं रखता ये तमाम चीजें बाकी के लेयर्स हैंडल कर रही हैं अभी तक के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आईपी को डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज